पैसा भी मिल जाता है भाई। अरे नाच बंदरी पैसा मिला ला, अरे एक भी नहीं दो भी नहीं तीन मिला। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और आपका नया साल सुखमय जीवन के साथ बीते। और फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिता चौधरी ब्लॉग में, और मैं हूँ सरिता चौधरी और ये है मेरी फ्रेंड्स बुटोला बहन जी। तो आप भी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा से नए साल की बधाई दे दो। आपको भी नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ सबको। हम सब की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामनाएँ। नया साल हर साल नए तरक्की लेके आए, नई खुशियाँ लेके आए, सारे सुख जीवन में हो और हम ऐसे चढ़ती कला में रहें सब अपने जीवनों में, जहाँ जहाँ भी जो जो भी है सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अंदर चलते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और इन संतों के चरणों में भी निभती रहे दासी यही कामना, यही अरदास, झोली फैला के मांग मांग रही इन संतों से सच्चे पातशाह। नित्य प्रति इस घर में तेरे काद नहीं है, बस का नहीं है, लेकिन ये दीन दयाल आप जी ने परवान करना। और ऐसे भक्ति में सारी बहने बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये नया साल है तो हमने कुछ ना कुछ संतों के लिए, तो जब नया विचार आते है तभी नया साल शुरू हो जाते हैं सच्चे पातशाह। तो दीन दयाल हमने चढ़ती और बढ़ती कला में रहना, प्यार से कहना जी, एक रौनक वाला भजन। जीवन है बेकार तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी दरबार न छूटे तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी दरबार न छूटे से सुंदर सपनों से प्यारा है छूटे। सत्संग जी प्यार से कहना, सत्संग जी प्यार से कहना, सारी सत्संगत को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सच्चे पातशाह दीन दयाल नया साल सबको ढेर सारी खुशियां लेके आए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सेवा सिमरन सत्संग का दान मिले, ये अरदास प्रार्थना के साथ सच्चे पातशाह ये संत के लिए। तो सच्चे पातशाह हर दिन नए साल के ही जैसा होता है, बस उसे हर घड़ी जो समय होता है वो उसके लिए नया ही होता है। और आप संतों का साथ सच्चे पातशाह दासी इस नए साल में आप संतों का ही साथ मांगेगी। आप संत ही जीवन का आधार हो, सेवा सिमरन सत्संग भक्ति जीवन का अभिनंग हो। ओ संत की झोली भरो जो मन से दुखी रहते हैं, प्रभु की कृपा करो सबकी झोली भरो जो मन से दुखी रहते। बुन के आचार अपने चरणों से लगाए रखे हैं। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर भाई का साली चांस सात संगत जी हम कि हम तो ये परमात्मा मिले, गुरु दर मिले सात संगत जी, सभी बच्चे भी आपके ये बारी भी तो मरी थी ये अपने चरणों से जोड़े सात संगत जी। अभी दासे गढ़वाल गए तो भी पूजा होनी चाहिए, मैं तो मंगा सात संगत जी
जो भी देव देव देवता छ नचना का तो पहले दासी की तरफ दिखना फिर जो छो सब चौल देने से बकेन छ देवी आन छो पर तो बाघ बोल छ चौल दिख छ तो वो जो छ ये नया वो सब की तरह बड़े सब थे चौल दिए गए कि तो मीख में बैठना छो तो इन भी तेने दी फिर दिन आ बड़े सुर कहीं तो भूली छा दगड़ में बैठे तो भूली बुने की दीदी सब थे दिन तो तुए थे कि लेने दिया तो मेरे बाद हम नर चाहे नर हूँ था पता नहीं जा लेकिन देवी देव तो था पता था देवी देव तो जान चाहे तो वाली दीदी वाल हाँ बल तू सिमरन मेरे हाँ भी सिमरन कौन हो चाहे वाली तो वो ना बढ़े कि चलिए तुम्हारे देव तो दे रहे थे फिर वे का बात जो चल मतलब भतीजा का ससुर अब मिल तो नहीं पहचाने वो लेकिन वो भी जब पीठे लगाने बैठी नहीं तो पहले नजर लगाए फिर वे का बात लगाए चोर पीठे तब दूसरे दिन भी वो देवी जो फिर नचन बैठ गया मेरे किनारा बैठे बैठे को चौका किनारा देर में सब बैठे तो वो आ गया वहां मेरे समण पहले मेरे समण आए तो पहले मैं भी फैसो दूरी तब बने तू छुपने के लिए छबाना मैं तो यही दगड़ा छो तो लुकने के हम पेशने के लिए छबान होने वाले मैं तो तेरे दगड़ा मछा वाले तो आशीर्वाद देख बार तेरे बार खूब तेरे घर में खूब दिशे दिया ये बाल तो ये हम गुरु को दर हम लोग समझ दें नहीं चाहते कि देवी देवता जो सब समझ दें सब समझ दें तो सत्संग जी हमारे ये पहले विश्वास कर ये डर नहीं छुड़ो दुनिया से दुनिया के बोल दा कि नहीं बोल दा वो भी दिखनो छ मैं तो कह भरे तारा मना का कह भर बना ते फ छाया छ कह भर बना छल सा लेकिन सतगुरु लाए हम बचे जा सत्संग जी बोल क्या छ परसों अब तुम्हारे नचने बर्थडे भी छ आशीर्वाद दियो कौन ये बुआरी ब्याह भी की छी यू तो भी आशीर्वाद दियो ये भी ये दर से जुड़िया अरे नहीं जो चीज संगत है हमेशा होने रहे घर में गए कि आगे नेता का हमारे तो क्या क्या चल आज है बोलने से आप शरीर में जो शुक्रिया खुशियां जो दी बुढ़ी घर ना आना दे डांडा मुनी ना हम बुढ़ी घर ना आना दे डांडा मुनी ना हम काखुड़ी कन्याला अरे काखुड़ी कन्याला अरमिन तमाशा जाने बुढ़ा मेरा मैं तियाला दादा मुनिया डम्बुड़े जी मेरा मैं तियाला दादा मुनिया डम्बुड़े जी मेरा मैं तिया अरे तीन भारी पाथी अरे तीन भारी पाथी अरे तमाशा देखाया होला कल चुंडी का नाती दादा मुनि डम्बुड़े जी तो फ्रेंड्स आज हमने बहुत इंजॉय किया और आज है 2024 का जनवरी का महीना फर्स्ट ईयर और मतलब आज है पहली तारीख जनवरी की और आप लोगों को मैंने कई बार अपने ब्लॉग के माध्यम से बताया भी है कि हमारी पहली तारीख को एक कमेटी होती है उसमें हम सारी बहनें मतलब बैठते हैं और उसमें सबके घर में एक छोटी सी मतलब टी पार्टी होती है और उसमें हमारे अपने सत्संग से संबंधित जानकारियाँ और सत्संग से संबंधित ही वो मीटिंग होती है और आज बुटोला बहन जी के घर में पहली तारीख की हमारी मीटिंग थी और 5 तारीख को बुटोला भाई साहब जी का जन्मदिन भी है तो बुटोला भाई साहब जी को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान आपकी लंबी उम्र करे ऐसे ही तरक्की करते रहे और भाई साहब हमारे क्षेत्र के पार्षद भी हैं और बहन जी भी हमारे भूतपूर्व पार्षद रह चुके हैं उप प्रधान रह चुके हैं और कैलाशपुर में आने के बाद इनसे ही सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई और सत्संगी होने के नाते ये हमारे सबसे दिल के करीब हैं और इनके साथ हमारा ज़्यादा टाइम व्यतीत होता है ये भी हमारे बहुत दिल के करीब है और बहुत अच्छी है और मैं भगवान से गुरुदर से यही दुआ करती हूँ कि अब तक निभी है हमारी आगे बहुत अच्छी निभी और बहुत आगे तक निभी और बहुत अच्छे से निभे तो वो हम एक दूसरे ने भी बहुत अच्छा हम प्रयास भी करते हैं और अब तक अच्छे रहे तो आगे भी रहेंगे मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी बहुत अच्छे रहेंगे। और फ्रेंड्स पता अभी ना मैं देख रही हूँ कि अभी हम बहुत सुंदर मतलब कैमरे में सुंदर से लग रहे हैं ना
पता नहीं वैसे है नहीं इतने सुंदर ना, पर वैसे है इतने खराबी नहीं हम सभी नहीं। और थोड़ा से मेरे ठीक ही है और नॉर्मल। फ्रंट कैमरे से जब वीडियो बनाती हूँ तो मेरा फेस बहुत बड़ा आ जाता है फ्रेंड्स, और मैं ज़्यादा से मतलब फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्या करूँ चैनल है तो थोड़ा से अपना फेस भी दिखाना ही पड़ता। तो फ्रेंड्स आज ना हमने बहुत सारा एंजॉय किया बहुत, और वो भी आपको यूट्यूब के ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर थोड़ा सा आगे, आप दूध लेके आगे आज नहीं है दूध के बारे में, अच्छा थोड़ी देर ही आऊंगे तो अभी तक हमने जितना भी ब्लॉग शूट किया वो बुटोला बहन जी के ही घर पे बनाया है। तो फ्रेंड्स हम बाहर चल रहे हैं अभी बस रोड चल रहे हैं, और फ्रेंड्स मैं हाँ मैं आपको शाम का नज़ारा दिखाती हूँ कैलाशपुर का, जहाँ हम रहते हैं ये हमारा लोकल एरिया है, तो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये है हमारे कैलाशपुर का टेनिस ग्राउंड, और यहाँ पे फ्राइडे को हाट भी लगता है, हाट मार्केट लगता है फ्राइडे को, अभी स्टार्टिंग ही हो रही है, दो एक दो बार का हाट मार्केट यहाँ लग चुका है। तो देखिए हमारे आसपास का एरिया कुछ ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप ब्लॉग को स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना, बहुत इंजॉय किया हुआ है, बहुत मतलब एंटरटेनमेंट किया है सबको, तो आप देखना बहुत अच्छा अच्छा रोल किया है। तो रात हो गई अब कुछ और भी बाकी था वो भी करना था, लेकिन अब थोड़ा सा भी जाना है, हाँ टाइम इसलिए दूसरे दिन दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ब्लॉग, तो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और जो नए व्यूअर्स मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इधर से इधर। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हुए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।